तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती की 13 जून 1980 को रिलीज हुई फिल्म सितारा के बारे में, उनके कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ सच के बारे में निकाल के लाया हूँ, जो आपके लिए खिदमत है, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और यह एक भाई साहब ने कमेंट भी किया था, शायद मिथुन चक्रवर्ती साहब बहुत बड़े फैन हैं, और उन्होंने अगर कमेंट किया तो भाई सोचा कि कुछ ना कुछ तो निकाल के लाया ही जाए। तो फिल्म सितारा से जुड़ी कुछ ऐसे सच आपके सामने लेकर आया हूँ जिनसे शायद आप अनजान होंगे। मिथुन चक्रवर्ती जरीना वहाब की ये एक हिट फिल्म थी जो कि 1980 में आई थी, यानी कि 13 जून 1980 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। अगर इस फिल्म के सच के बारे में बात करें, इससे पहले तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्म में दो फिल्में आ चुकी थी जो कि सेम सितारा जैसी थी, और उन्हीं फिल्म से प्रेरित सितारा फिल्म को बनाया गया था। अगर तेलुगु भाषा की फिल्म की बात करें तो उस फिल्म का नाम था सीतामा लक्ष्मी, जो कि रामेश्वरी इस फिल्म में मुख्य किरदार में थी, और इस फिल्म को अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। इस फिल्म के बाद एक आई फिल्म जो कि तेलुगु भाषा की थी, उसमें भी काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग नजर आई, जो कि एक तमिल फिल्म थी। हालांकि इन दोनों फिल्मों से प्रेरित थी फिल्म सितारा, लेकिन इसके बावजूद एक आमिर खान की फिल्म भी है जो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म से प्रेरित थी। अगर बात करें तमिल भाषा की फिल्म की, उस फिल्म का नाम था एनिप पिंडगल, जो कि एक तमिल फिल्म थी, और इस फिल्म को भी लोगों ने अपनी भाषा में काफ़ी ज़्यादा सराहना दी थी। उसके बाद इन दोनों फिल्म से प्रेरित फिल्म आई सितारा, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और जरीना वहाब को कास्ट किया गया। लेकिन जरीना वहाब के आने से पहले इस फिल्म में जो एक्ट्रेस थी तेलुगु फिल्म में रामेश्वरी, उन्हें इस फिल्म के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। रीजन उनका यह था कि वो अपनी फिल्मों में बिजी थी। खबरें यह भी उड़ी थी उस समय कि मिथुन चक्रवर्ती ने ही रामेश्वरी को अपनी इस फिल्म में लेने से मना करवाया, यानी कि रोक टोक लगवाई। लेकिन बाद में रामेश्वरी ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि इसमें मिथुन चक्रवर्ती का कोई हाथ नहीं है, उन्हें खुद इस फिल्म में काम नहीं करना था। मिथुन चक्रवर्ती उस समय इतने बड़े सुपरस्टार भी नहीं थे कि किसी एक्टर या फिर एक्ट्रेस को रिप्लेस कर सकते, तो कुछ इस तरह की कहानी थी इस फिल्म से जुड़ी तेलुगु और तमिल फिल्म की फिल्म सितारा से। वहीं अगर बात करें अगर सितारा फिल्म से जुड़ी आमिर खान की फिल्म से, तो आमिर खान की फिल्म जो आई थी रंगीला 1995 में, जिसे बनाया था राम गोपाल वर्मा ने, सितारा फिल्म से प्रेरित थी। अगर आप फिल्म रंगीला देखेंगे तो आपको सितारा फिल्म से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती नजर आएगी। ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि आमिर खान की फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म, उसकी कहानी भी कई हद तक मिलती जुलती थी। ये वो फैक्ट हैं फिल्म सितारा के जो हमने आपके सामने पेश किया है। वही कुछ और भी ऐसे सच होंगे जो हम निकाल के शायद लाएँ अगली वीडियो में, लेकिन फिलहाल ये वो बड़े सस्ते जो फिल्म सितारा के थे जो हमने आपके सामने पेश किया है।